और जिले के और प्रमंडल के सभी पदाधिकारीगण और संबंधित जिले के सभी पदाधिकारीगण, आप सब लोगों का आज इस समीक्षा बैठक की उपस्थिति हुई है, इसके लिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद देने से ही काम नहीं चलेगा, समीक्षा बैठक हुई है, कुछ चीजें आज बेसिकली जो हम लोग की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और आप लोग देख रहे हैं, ये सारी योजना मैक्सिमम योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही हम लोगों ने तैयार की है। और आंकड़े जो दिख रहे हैं, आंकड़े काफी दिखने में उत्साहवर्धक हैं, लेकिन इसका मुझे नहीं लग रहा है कि ग्रामीण स्तर पर जो उत्साह कागज में दिख रहा है, ये उत्साह वहां पर है। मैं कुछ चीजों को देख रहा हूं जहां हम लोगों का ये सरकार आपकी योजना को लेकर जो वेबसाइट बने हैं, उस वेबसाइट में तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ऐसी डाल दी हैं जो बिल्कुल ही आज के इस रिव्यू के विपरीत है। सभी योजनाओं को तो आप लोगों ने डिस्पोज कर दिया है, डिस्पोज अप कर रखा है, सबको आप लोगों ने आच्छादित कर दिया है, सब लोगों को आप लोगों ने दे दिया है, सबका निष्पादन हो चुका है। इसका मतलब आप लोग को यह लगता है कि हम लोग एक बार योजनाओं को लॉन्च करने के बाद सो जा रहे हैं हम लोग, चाहे मंत्री हो, चाहे विभाग हो या विभाग के सचिव हो। इस गलतफहमी में थोड़ा आप लोग आप रहना बंद कर दें और बिल्कुल जिस जिम्मेवारी के साथ योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारने का संकल्प लेते हैं, उस जिम्मेवारी को थोड़ा आप लोग सीरियसली लेने का प्रयास करें, अन्यथा कार्रवाई करने से भी सरकार नहीं चुकेगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, काम करने में जो आपको सपोर्ट, जो आपको स्वायत्तता चाहिए वो देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन उसमें कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कुछ एक चीजों को छोड़कर जो हम लोगों के रूट्स को मजबूत करने की जो हमारी सोच है, उस पर काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप पेंशन दे रहे हैं, धोती साड़ी बांट रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लेकिन कल को हम इन योजनाओं से लोगों को हम बाहर निकाल करके सेल्फ इंडिपेंडेंस कैसे बनाएं, ये हमारा लक्ष्य है। इसी के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ किया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। लेकिन इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में जो हमारा सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए निचले स्तर तक, उसमें बहुत कमी हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग छात्रवृत्ति बांटने के लिए हम लोगों ने एक डेट फिक्स किया है, हम लोगों ने सुखाड़ को लेकर के
लोगों को राहत देने के लिए एक डेट फिक्स किया है, कागज में आपके सारे चीजें अप टू डेट है, लेकिन पता चलेगा कि जिस समय हम लोग ये डिस्पर्स करने के पोजीशन में आएंगे, जब दिन हमारे उस दिन जब पहुंचेंगे तो पता चला कि सभी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। इसलिए ये आप सब लोगों को, ये पहला आप माने या आखिरी माने, बिल्कुल सख्त हिदायत है कि इस पर कोई कोताही नहीं हो। और जो माननीय विधायकों का भी कुछ जो संज्ञान दिलाया गया है, कहीं ना कहीं आप पुरानी परंपराओं के साथ अभी तक चले आ रहे हैं। आप शायद किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जिसके वजह से योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही, और कहीं ना कहीं आप इसमें सरकार को, आप की छवि को खराब करने की एक बड़ी कारण आप बनेंगे। इसलिए बिल्कुल अभी हम लोगों ने बहुत सॉफ्टली आप लोगों के साथ पूछताछ की है, लेकिन ये नहीं, हम लोग पंचायत में भी जा सकते हैं, बहुत लंबे समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं, अब वो भी करेंगे। मुझे लगता है कि अब उसकी भी आवश्यकता मुझे पड़ रही है, क्योंकि अभी तक हमारे ब्लॉक कार्यालय की गतिविधि या फिर हमारे और भी योजनाओं से संबंधित पदाधिकारी योजनाओं के सीरियसनेस पर नहीं जा रहे हैं। आपको पता है पशुधन योजना इस राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई दूसरे राज्यों के तरह व्यवसायिक मॉडल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। इन लोगों का जो व्यवसायिक गतिविधि है ये जानवरों से है, खेत खलियानों से है, जिस पर हमारा जोर है, लेकिन आप इसमें ग्रामीणों को सहयोग नहीं करेंगे तो यह अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। और जो है भी, मुझे कुछ जानकारी मिली है, कल से मैं यहां घूम रहा हूं आपके देवघर या गोड्डा में, बुनकरों का एक बहुत बड़ा समूह है, ये बुनकर भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहे हैं। यहां पर कुछ जो लोहा ये का काम करते हैं, मिस्त्री, ये क्या बोलते हैं, कर्मकार समाज के कुछ लोग हैं बड़े पैमाने पर यहां पर, इनके काम, इनके बनाए हुए सामान बड़े बड़े ब्रांडेड दुकान में आपको मिलते हैं, लेकिन इनकी स्थिति दयनीय है, हो चुकी है, कभी आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो है उसे भी नहीं बचा रहे हैं, नए तरीके से चीजों को हम लोग स्थापित भी करने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसलिए बिल्कुल ये आंकड़े देखने से हमें खुशी नहीं होगी, हमें खुशी होगी जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, हमें शिकायतें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लोग आवेदन दे रहे हैं लेकिन उनको योजनाएं नहीं मिल रही।
तो बिल्कुल इसमें और हम लोगों के केसीसी किसान वाले में भी हमारे बैंकों का जो रुख है, आप लोग भी कृपया बिल्कुल सचेत रहे, अन्यथा हम लोग इस पर भी बहुत कड़ाई के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये स्टेट को वेलफेयर की आवश्यकता और राज्यों से अधिक है। तो इसलिए मुख्य सचिव जी ने जो कहा है, इन सबको एक संकल्प लेते हुए, इसको एक सीरियसनेस दिखाते हुए जो भी जिम्मेवारी दी गई है, इसको फिर से अगर आपको एक अटेम्प्ट में चीजें नहीं हो रही है, उसमें डबल ट्रिपल अटेम्प्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां के लोग काफी सरल, काफी बहुत ज्यादा बौद्धिक क्षमता के लोग नहीं है, कहीं ना कहीं आपको उसको बहुत उसके जगह पर बैठ करके उसके लिए सोचना पड़ेगा, ना कि आप कहीं कोई बीडीओ है, कहीं कोई डीसी है, कहीं कोई एसपी है, तो उस लेवल पर बैठ के हम अपनी चीजों को देखें तो हमें बिल्कुल अलग ही आपको वो दिखेगा। आपको जिस चीज की जो काम आप कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, आपको उसी जगह उसके लेवल में जाकर के आपको के लिए काम करना पड़ेगा, तभी ये चीजें एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएगी। 400-500 आप लोग एप्लीकेशन लेके बैठे हैं, मात्र 12-13 एप्लीकेशन आपका क्लियर हो रहा है। महीना भर हो चुका है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के समाप्ति पर, अभी तक कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। बिल्कुल थोड़ा आप लोग इसमें गंभीरता से इस चीज को ले, अगली बैठक अगर हम करें तो उसमें ये शिकायतें ना हमें देखने को मिले, नहीं तो फिर उस समय की समीक्षा की बैठक थोड़ा अलग तरीके से हम लोग कंडक्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।